बड़ी खबर का रुख करते हैं। घुसखोरों पर लगातार कसा जा रहा एसीबी का शिकंजा और एसीबी की कल हत्थे चढ़ा एक्सीएम राजेंद्र लखारा और वो करोड़पति निकला है। सर्च में घुसखोर लखारा के यहां से अब तक 66 लाख रुपए बरामद हुए हैं। घर से 24 लाख और एक बैंक लॉकर में मिले हैं 42 लाख रुपए कैश। राजेंद्र लखारा का अभी एक और बैंक लॉकर खुलना बाकी है। साथ ही सर्वे में लखारा के घर कई प्रॉपर्टी के दस्तावेज मिले हैं। पत्नी के नाम पर फर्म के दस्तावेज भी एसीबी के हाथ लगे हैं। जोधपुर में मकान के दस्तावेज भी आरोपी के घर से बरामद हुए हैं। एएसपी उमेश ओझा की टीम सर्च की कार्रवाई कर रही है। कल एसीबी ने 4 लाख रुपए की घूस लेते हुए राजेंद्र लखारा को ट्रैप किया था। एसीबी डीआईजी राजेंद्र गोयल मॉनिटरिंग कर रहे हैं। डीजी हेमंत प्रियदर्शी आईजी सवाई सिंह गोदारा के निर्देशन पर इस कार्रवाई को अंजाम दिया जा रहा है। मेरे सहयोगी नवीन जुड़ गए। नवीन, 60 लाख से ज्यादा का तो कैश अभी तक बरामद हो चुका है। मेरा सवाल यह कि भाई एक्सियन इतना कैसे कमाता है, वो कौन कौन से माध्यम है जिसके तो जरिए घूस ली जा रही थी? देखिए, एक सड़क निर्माण का एक ठेकेदार था और उसके तकरीबन 1 करोड़ रुपए के बिल थे और उनको पास करने की एवज में जो ठेकेदार जो पीडब्ल्यूडी एक्शन है उसने 4 लाख रुपए की घूस की डिमांड की थी। तो कल रात को एसीबी ने जो पीडब्ल्यूडी का एक्शन है राजेंद्र लखारा उसको एसीबी ने गिरफ्तार किया। जब एसीबी की टीम उसके घरों पर पहुंची तो उसके घरों की सर्च के अंदर 24.5 लाख रुपए एक घर के अंदर मिले और जब एक लॉकर खंगाला गया तो उस लॉकर के अंदर तकरीबन 42 लाख रुपए की नकदी मिलती है। हालांकि एक लॉकर अभी खुलना बाकी है, संभवतः एसीबी की टीम उसको कल खोलेगी और जगह जगह उसके प्रॉपर्टियों के दस्तावेज, जोधपुर के अंदर भी एक प्लॉट के दस्तावेज मिले, इसके अलावा 3 चौपहिया वाहन, 2 दुपहिया वाहन सहित अनेक प्रकार के जो 10 से 12 एक प्रॉपर्टियों के दस्तावेज मिले हैं जिसके अंदर एग्रीकल्चर लैंड भी शामिल है। और लगातार एसीबी अब जो आरोपी है उससे लगातार पूछताछ कर रही है। पूछताछ के बाद और भी कई बड़े खुलासे होने की उम्मीद है। जिस तरह से मुख्यमंत्री अशोक गहलोत का मैंडेट है राजस्थान से भ्रष्टाचार मुक्त करना है, तो उसी क्रम में एसीबी की टीम लगातार लगी हुई है। एसीबी के कार्यवाहक डीजी हेमंत प्रियदर्शी और आईजी सवाई सिंह गोदारा फिलहाल इस पूरी कार्रवाई के ऊपर मॉनिटरिंग कर रहे हैं। साथ ही आपको बता दूं, ये जो पूरी कार्रवाई है फिलहाल जोधपुर के अंदर अभी भी सर्च चल रही है और सर्च के बाद क्या कुछ निकलता है अभी देखने वाली बात होगी। अभी जो एक लॉकर और बच रहा है, संभवतः बताया जा रहा है उसके अंदर भी बड़ी मात्रा में नकदी मिल सकती है। नवीन, शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए, तमाम जानकारी साझा करने के लिए। आगे बढ़ते हैं।